पीर नसीरुद्दीन नसीर गोलड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आला हज़रत के बारे में क्या फरमाया, फरमाया फ़ख्र मिल्लत लाइक़ेसत एहतराम अहमद रज़ा, फ़ख्र मिल्लत लाइक़ेसत एहतराम अहमद रज़ा, मोहतशम बालिग नज़र आली मकाम अहमद रज़ा, मोहतशम बालिग नज़र आली मकाम अहमद रज़ा। और कहा नाम की तासीर से मिल जाएगा इसके रसूल, आला हज़रत का जो नाम है ना अहमद रज़ा, क्योंकि आला हज़रत का जैसा इमाम साहब ने भी अपने बयान में कहा कि आला हज़रत की ज़िंदगी में यूँ तो बहुत से शोबे थे लेकिन आपकी ज़िंदगी का जो सबसे मशहूर शोबा था वो था इश्क़े रसूल। फिर साहब फरमाते हैं कि नाम की तासीर से मिल जाएगा इश्क़े रसूल, देख लो रख कर किसी बच्चे का नाम अहमद रज़ा। कहा आला हज़रत का, आला हज़रत का मिशन, आला हज़रत की तालीमात, आला हज़रत के कलाम, ये तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ आला हज़रत के नाम की ये तासीर है कि नाम की तासीर से मिल जाएगा इश्क़े रसूल, देख लो रख कर किसी बच्चे का नाम अहमद रज़ा। सुभान अल्लाह। का हज़रत हसन बिन साबित का लौट आता है दौर, हज़रत हसन जो कि हुज़ूर की इनात हुज़ूर के सामने पढ़ा करते थे, फरमाते हैं हज़रत हसन बिन साबित का लौट आता है दौर, दौर में जब लाते हैं नातों का जाम अहमद रज़ा। और आखिर में फरमाया तय किया आखिर ये अरबाब नज़र ने है नसीर, तमाम अहले सुन्नत, तमाम अहले सुन्नत, तमाम या रसूलल्लाह कहने वाले, तय किया आखिर ये अरबाब नज़र ने है नसीर, तर्जुमान अहले सुन्नत हैं इमाम अहमद रज़ा। बस बात ख़त्म। मेरे पीर मुर्शिद फरमाते हैं इमाम अहमद रज़ा पर हमारी आंखें बंद हैं, आला हज़रत से आगे हमें कुछ नहीं दिखता, और ये बात बिल्कुल डन है, टंकी की चोट पर कहते हैं, टंकी छुपी बात नहीं है, आला हज़रत ने जो कह दिया वो बात ख़त्म, वो नुक्ता आखिर, वो हरफ आखिर हमारे लिए, आला हज़रत से बढ़कर हमारे लिए किसी की कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आला हज़रत ने जो कहा हक कहा, सच कहा, और कुरान और हदीस की रोशनी में कहा।